एक्चुअली ये एक लव स्टोरी है और ट्राइंगल लव स्टोरी, मतलब एक तरफा प्यार। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि किसी को चाहते हैं, प्यार करते हैं, बट उसको बोल नहीं पाते। तो ये ऐसी स्टोरी है कि आदमी बोल नहीं पाता और प्यार करता रहता है। सडन उसको रिलाइज होता है कि यार मैंने देर कर दिया, इसको मैंने जो कहना था वो कह नहीं पाया, और वो लड़की उसके हाथ से निकल जाती है। ये वो स्टोरी है। जी बहुत मज़ा आया सब साथ काम करके। इट्स फन या चैलेंजिंग फॉर मी टू परफॉर्म इन दिस सॉन्ग। बाकी सब बहुत हेल्पफुल थे, बहुत ही टैलेंटेड क्रू के साथ सबके साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट है या पहले भी आपने कोई प्रोजेक्ट किया? नो, इट्स माय वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट। कुछ अपने बारे में बताइए, क्या आपका बैकग्राउंड है, एक्टिंग बैकग्राउंड कैसा है? मैं आई एम फ्रॉम मॉरिशस। तो एक्टिंग में स्टार्टिंग से ही मेरा मन था, कि मेरा ड्रीम था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूँ। सो फाइनली आई हैव डन अ प्रोजेक्ट विद हिम, मिस्टर अमित मिश्रा अलिया, और टीवी प्रिंट एड। सो इन्होंने देखा कि पोटेंशियल है मुझ में, तो मुझे कास्ट कर लिया अपने नए म्यूजिक वीडियो में। सर आपसे कॉमेडी का तड़का वक्का होगा, इसमें क्या 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 रोल है, क्या कैसा रोल है? नहीं, चूँकि आप लेट बता रहे हैं इसलिए आपको आइडिया नहीं है। कोई नहीं, मेरा कोई रोल नहीं है। मैं बस एक ही रोल करने आया हूँ, इनके रोल को मैं थोड़ा हौसला अफजाई करने आया हूँ। और वाकई अमित भाई को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और ये पहले से फलसफा चल रहा था कि कुछ कर रहा हूँ और ऐसा कुछ कर दिया, तो ये देख करके बहुत अच्छा लगा। और सच में मतलब 13 बार जो टाइटल है आज इसका, ट्रेलर प्रोमो जो दिखाया, ऐसा लगा कि मेरे जीवन में अब तक के जितना भी मेरा वार था वो कमज़ोर था, और 13 बार वाकई बहुत हार्ड है, तो अच्छा लग रहा है। और इनको भी बहुत पहले से जानता हूँ, राजा हिंदुस्तानी को, तो वो भी तो नाम ही हिंदुस्तानी है, तो अपने आप में हिंदुस्तान के बारे में क्या बताना। और बाकी ये सिंगर हैं हमारे, हाँ, यश कुमार, ये काफ़ी पॉपुलर गाना गा चुके हैं, अभी सेकंड थर्ड सॉन्ग है इनका ये। और सोनिया जी माशाल्लाह बहुत छा गई इसमें। वो अमित जी का कॉल आया कि मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट है एक गाने का, एंड उसको हमें यू नो शोकेस करना है, तो उसके म्यूज़िक पे काम किया, लिरिक्स लिखी बहुत अच्छे से, एंड मेरा तो काम गाने का है जी। मैंने तो बस फीलिंग्स डाली हैं, बाकी सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस सबका बीच में जो रोल है, दैट इज़ फैबुलस इस म्यूज़िक वीडियो में। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे शूट हुआ है सारा का सारा गाना, एंड बस प्रे फ्रॉम गॉड, फॉर गॉड से प्रे करूँगी दैट यू नो इट बिकम्स अ गुड हिट। माई नेम इज़ राजा कुमार हिंदुस्तानी, आई एम फ्रॉम पटना बिहार, बेसिकली आई एम फ्रॉम चंपारण बिहारी। आई एम मिडिल क्लास फैमिली, माई फादर इज 10+2 प्रिंसिपल, मदर ऑल्सो, एंड डेफिनेटली आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई मामा। माई मामा इज डिप्टी कलेक्टर कुईट इन चीफ सेक्रेटरी ऑफिस। ये सारे लोग आशीर्वाद सपोर्ट हैं, बाकी मेन भैया हैं बैठे हैं आपके, इनका भी हमेशा इनके टच में रहता हूँ मैं। और है म्यूजिक, पता चला म्यूजिक वीडियो बनाने वाले हैं, तो ऑडिशन रखे थे, गया मैं भी ऑडिशन के लिए, ऑडिशन दिया, वहाँ पे मैं सेलेक्ट हुआ। एंड थैंक यू कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, भैया को थैंक यू सो मच कास्ट करने के लिए, दैट्स इट। एक्चुअली मैंने मेरे लाइफ में आई वॉज केम अर्लियर, मैंने अपना करियर एक्टिंग से शुरू किया, NST थिएटर से मैंने शुरू किया, रिपेटरी में मैंने काम किया, फिर दूरदर्शन से मैं सेलेक्ट हुआ, एक ग्रिड का अप्रूव आर्टिस्ट हुआ, मेरी वॉइस चलने लगी, मैं मॉडलिंग मैंने शुरू की, फिर मैं टीवी सीरियल में सेलेक्ट हो गया। तो मैंने काफ़ी टीवी सीरियल्स किए एज एन एक्टर, और उसके बाद से फिर मैं थोड़ा सा अपने आप को मैंने बैक ऑफ द कैमरा कर लिया। बैक ऑफ द कैमरा मीन्स मैं एसिस करने लगा, एसोसिएट करने लगा फिल्म में, एग्जीक्यूट प्रोड्यूस करने लगा, प्रोड्यूस करने लगा। तो मैंने काफ़ी कुछ इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ, कई साल तक मैंने कुछ किया, कुछ फिल्में डिस्ट्रीब्यूट भी की मैंने। बट मुझे कभी हमेशा लगता रहा मेरे अंदर कोई पोटेंशियल कहीं, मैं लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, बट यहाँ ये इंडस्ट्री ऐसी होती है कि हमें बहुत खुद ही एफर्ट करने पड़ते हैं, तो वो मैं उस टाइप के एफर्ट इतनी शायद मैं उस मेरी काबिलियत को लोगों ने नहीं समझ पाया, तो मुझे लगा मुझे खुद कुछ करना चाहिए। अभी कई बार लोग बोलते हैं यार तुम डायरेक्टर भी हो, तुम एक्टर भी हो, तुम राइटर भी हो, तो मुझे लगता है कि अगर किसी के अंदर कोई काबिलियत है
तो कोई गलत चीज़ नहीं है कि वो एक्टिंग नहीं कर सकता है, वो डायरेक्शन नहीं कर सकता है, या वो राइटिंग नहीं कर सकता है। अगर अच्छा लिरिक्स मुझे सेंस है, मैं लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर मुझे आता है कि ये सीन अच्छा मैं विजुलाइज करता हूँ, मैं इसको अच्छा डायरेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं डायरेक्ट करूँगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी अपनी ये सोच है, तो मैं धीरे 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 देखता रहा, मुझे लगा कि यार मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे भी कुछ करना है। और ये कोविड जो आया है, कोविड कभी कभी कुछ लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहा, तो उसमें से मेरे लिए भी अच्छा रहा। कभी लोग बोलते हैं कोविड बहुत ख़राब था, बट मैं कहता हूँ कि कोविड ख़राब नहीं था, कुछ एक हमें अपने बारे में सोचने के लिए एक मौका मिल गया। तो मैंने उस वक्त सोचा कि मुझे म्यूज़िक में कुछ मुझे सेंस है। मैंने काफ़ी नॉन सिंगर्स के साथ बहुत सारे गाने किए, मतलब शायद कोई ऐसा सिंगर हो जिसके साथ मैंने गाना ना किया हो। वो कहीं प्रोड्यूस किया है, तो कहीं एग्जीक्यूट प्रोड्यूस किया है, तो कहीं लाइन प्रोड्यूस किया है। फिर मुझे लगा मुझे खुद कुछ करना चाहिए, तो फिर मैंने ये गाना लिखा और इस गाने को तैयार किया। फिर लोकेशंस बड़ी मुश्किलें थी उस वक्त कोविड में शूट करने की, तो मैंने नवंबर में जिम कॉर्बेट जाके शूट किया पूरे यूनिट के साथ में। फिर बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं, अच्छे बुरे, बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट निकला वो सामने आप लोगों के। अब मुझे ये लगता है कि शायद जो हमारे जैसे बहुत सारे, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो किसान के बेटे हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो आगे बढ़े, हमारे साथ जुड़े। डेट में ऐसा हो गया सर, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप कुछ बनाते हैं, फिर उस पर खर्चा करते हैं, फिर उसको एक बड़ी कंपनी के पास लेके जाते हैं, वो अपने नखरे दिखाते हैं, वो कहते हैं हम इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, इसको ऐसे प्लान नहीं करेंगे ऐसे, और आप कुछ बोल नहीं पाएंगे उनके सामने। तो फिर मैंने प्लान किया मैं क्यों ना अपना ही एक म्यूज़िक चैनल बनाऊँ। तो मैंने अपना ये फिल्मोग्राम एक म्यूज़िक चैनल बनाया, एक कंपनी खोली और उसमें काम चालू किया। अभी मेरा नेक्स्ट मंथ बहुत अच्छा सॉन्ग मैंने हेमंत ब्रिजवासी को लेकर बनाया गाना, उसके लिरिक्स भी मैंने लिखे, डायरेक्ट भी मैंने किया है। वो गाना नेक्स्ट मंथ आपको मिलेगा। वो एक डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट एक रोमांटिक सॉन्ग है, वो भी मैंने किया। तो मैंने ऐसे प्लान किया कि मैं मंथ ऐसे गाने बनाऊं और एवरी मंथ अपने नए गाने डालूं। अच्छा दिन चुना है लॉन्च करने का, मतलब इससे बेहतर शुभ अवसर इनको मिल ही नहीं सकता था। आप सब लोग एक साथ बोलिए हैप्पी बर्थडे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। थैंक यू थैंक यू। जी मॉरिशस में तो बॉलीवुड का बहुत क्रेज है, सभी लोग हिंदी लैंग्वेजेस सबको आती ही है हिंदी लैंग्वेज, और बॉलीवुड मूवीज बॉलीवुड सॉन्ग्स का बहुत क्रेज है बॉलीवुड में मॉरिशस में। तो बहुत ही इट वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू बी पार्ट इन और बाय द वे इनके फादर बहुत बड़े वहाँ पर संगीत से ताल्लुक रखते हैं, मॉरिशस में नंबर वन है, और मैं इनके घर हुआ हूँ मॉरिशस में, इनके मदर फादर से मिल चुका हूँ। म्यूजिशियन इसका एक्चुअली मैं आपको एक ये अच्छी बात, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, तो मुझे थोड़ी एक मुझे कुछ लोगों ने जो मेरे फ्रेंड हैं जो मुझे जानते हैं दिल से चाहते हैं, उन्होंने पोस्टर देखा, पोस्टर देख के उनको लगता है यार ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, फिल्म लग रहा है। हाँ, तो और मैं जिसने भी देखा वो बोलते हैं ये नहीं लगता है कि म्यूज़िक आप बना रहे हैं, ये लगता है कि जैसे आपने कोई फिल्म, जैसे आप पोस्टर देखते हैं तो फिल्म के पोस्टर अलग होते हैं, मूवी के अलग होते हैं, फिर आपके गानों के अलग होते हैं। तो मैंने थोड़ा सेंस था, तो मैंने उस सेंस से कॉन्सेप्ट वाइज उस पोस्टर को बनाया। तो मेरा यही है कि म्यूज़िक के साथ में फिल्म, अभी मेरा नया जो गाना अगले महीने आप देखेंगे उसको मैंने रजिस्टर्ड भी किया, वो भी एक रोमांटिक सॉन्ग है, आपको पसंद आएगा। उसका हमने बहुत अच्छा नाम रखा है, दिल का सुकून। वो गाने का टाइटल है दिल का सुकून, जैसे ये तेरा बार है वैसे दिल का सुकून। फिर उसके बाद गाना है बेचैन दिल, ये सारे रजिस्टर्ड है मेरे टाइटल। तो ऐसे एक दो तीन दिल से कनेक्शन कहीं ना कहीं है, और हम सबके अंदर एक दिल धड़कता है, उसका कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बनाएंगे हम, मेरी कोशिश है कि धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे, और कोई ना कोई नया चेहरा के साथ में, हम भी नए चेहरे होते हैं, हम कभी बड़े बन जाते हैं, तो इसमें कौन पता नहीं बड़ा बनेगा, मैं बड़ा बनूंगा, ये बड़े बनेंगे, किसी का पता नहीं, जो अच्छा काम करेगा, लोग जिसको प्यार देंगे वो आगे बड़ा बनेगा। सर आज के डेट में अच्छी चीज़, मैं पहले भी सोचता था अच्छी चीज़ हमेशा चलेगी। आज आपने, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बन रही हैं, लेकिन उनका क्या हो रहा है,
छोटी चीज़ क्लिक हो जाती है, कॉन्सेप्ट अच्छा हो। म्यूज़िक मतलब हमारे सबके दिल में एक म्यूज़िक होता है, अगर हमारा दिल खुश नहीं होगा म्यूजिक सुन के या चीज़ें देख के तो हम उसको देखेंगे नहीं। तो मेरी कोशिश है कि कुछ अच्छा ऐसा बनाएं जिससे लोगों का कनेक्शन जुड़े, लोग दिल से कनेक्ट हों और उनको लगे कि यार ये तो मेरी अपनी कहानी है। तो वो चीज़ अगर होगी और लोगों तक पहुँचेगी तो कुछ ज़रूरत नहीं है मैं बहुत सारा प्रमोट करूँ, बहुत बड़ी मैं कंपनी नहीं, छोटी सी चीज़ हम सब के बीच में जाएगी, लोगों को पसंद आएगी, वो बड़ा बना देंगे। सुने ब्यूटीफुल गौरी मेरा हार्ट किया चोरी, मेरे हार्ट की है डोरी तेरे हाथ में है गोरी, आई नो ए चोरी यू लम्बे चोरी चोरी, लम्बे अच्छी नहीं दूरी आजा पास मेरे चोरी, दिल पर चल गया तेरा वार।